हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर व्हिच इज लीनियर एंड कॉल्ड डब्ल्यू, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर आर 39 W एंड 239 W रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें। की कंसेप्ट इस थर्मल एक्सपेंशन, ये थर्मल एक्सपेंशन से लिया गया है। और आपको पता है कि कोई भी जो लीनियर स्केल होती है उसमें एक रेशियो फिक्स रहता है। कौन सा रेशियो? कि कोई भी टेम्परेचर आप ले लो, टी माइनस टी एट फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट माइनस टी फ्रीजिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर जो है रेशियो, ये आपका हमेशा फिक्स रहता है। तो कोई भी दो स्केल ले लो, ठीक है ना, चाहे आप सेल्सियस ले लो, चाहे डब्ल्यू ले लो, चाहे फारेनहाइट ले लो, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। अब आपको केस में कह रहा है दो आपके पास स्केल है। पहला आपका स्केल मान लेते हैं डब्ल्यू स्केल। इस केस में कह रहा है आपका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 39 है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 239 है। और जो आपका सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल में तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। अब कह रहा है कि अगर मान लेते हैं इसमें जो टी की वैल्यू है, जैसे लाइक यहाँ पर जो लिखा है, इसमें टी की वैल्यू अगर 39 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें डब्ल्यू में कितना होगा, टी डब्ल्यू कितना होगा, ये पूछा है। तो यही रेशियो आप बराबर कर दो। क्या लिखोगे आप इस केस में? लिखोगे आप टी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इस केस में? 39 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, 239 माइनस 39 इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या 39 माइनस 0, ये आपका देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 अपॉन 100 माइनस 0, कितना होगा 39/100। देखो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो देखो टी माइनस 39 अपॉन 200 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 39/100 ये आ जाएगा। ये 100 2 जा कितना होता है आपका 200। तो देखो टी माइनस 39 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2 × 39 कितना आ गया, 78 आ गया। तो टी कितना आ जाएगा आपका, 78 + 39, सो 9 8 कितना हो गया 17, और 73 10 10 + 1 11, 117 W आ जाएगा। जब सेल्सियस होता है ना तो सी लिखते हो, तो जो W में आएगा उसको क्या लिखोगे, W लिखोगे, तो 117 W आ गया, ये आपका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।